आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ के बारे में। ओके, न्यूटन ने तीन लॉ दिए। जन्मेश, अपनी बिल्ली को चुप कराओ यार। लूसी, चुप। उसको दूसरे में भेज दे, काम करो। हाँ सर, भेज दिया। तो न्यूटन ने पहला लॉ दिया था, चल दूध पी ले, चुप कर, ब्रश बात ना कर लेना, दूध पी ले, चुप करना यार। तुम लोग बिना ब्रश के मैं लेक्चर में बैठते हो? अरे नहीं नहीं सर, हम तो आपके लेक्चर में बिना नहाए धोए भी कभी कभार बैठ जाते हैं। कैसे जानवर पाल रखे हैं स्कूल वालों ने। ध्यान दो, फर्स्ट लॉ पढ़ा रहा हूँ। तो सर याद भी नहीं रहता क्या पढ़ा, ऑनलाइन क्लास में सब भूल गया। फिर ने फर्स्ट लॉ दिया था कि जब ये क्या तू सुबह सुबह उबर लेके बैठ गया, जब देखो तब ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास। साले ये स्कूल वाले जो 6 महीने पहले बोल रहे थे कि बच्चों को क्या समझ में आएगा ऑनलाइन क्लास में, वही आज लोग ऑनलाइन पे पढ़ा रहे हैं। सेकंड लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट लॉ थर्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेकंड। अरे ये सर अटक क्यों गए? लगता है नेटवर्क चला गया है, मैं फिर से रिकनेक्ट करता हूँ। सेकेंड लॉ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेकेंड लॉ जो है फोर मार्क्स में आ सकता है, इसलिए इसको। अरे यार फिर से नेटवर्क चला गया, शिट, फिर से मुझे रिकनेक्ट करना होगा। ओके तो सब टॉरेट के बारे में समझ गया ना? अरे मैंने अभी अभी तो पढ़ा है टॉरेट के बारे में, तुम कहाँ थे, इंस्टाग्राम स्विच कर रहे थे क्या? आप तो हमें न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा रहे थे ना सर। न्यूटन्स लॉ ऐसा तो 3 साल पहले हो गया बेटा, 3 साल पहले हो गया, 12 चल रहा है ना। सर सर सर, मीटिंग में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। ओके तो चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी। एक्सपेरिमेंट फैराडे एंड हेनरी, फ्यूजन रेट एज वी होपफुली सप्लाई ऑलमोस्ट अल्टीमेटेड अनलिमिटेड पावर टू ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर नंबर 13 खत्म हुआ, कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 से। ओके सो बाय बाय।